नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने बात करेंगे सिक्स्थ हाउस में सूर्य ग्रह का फल। अगर छठे भाव में सूर्य आपका कुंडली में बैठा है, कोई भी राशि बनती हो, किसी भी भाव की राशि बनती हो, आपके सिक्स्थ हाउस में अगर सूर्य ग्रह बैठा है तो आपको कैसा फल देगा, मैं ये बताने वाला हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सूर्य पिता का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, नेत्र का कारक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है। सूर्य को कैसे मजबूत करें, पिता का सम्मान करें, सूर्य को जल देवे, तांबा व माणिक्य पहनने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है, लेकिन इस स्थान पर माणिक्य ना धारण करें, नहीं तो दिक्कत समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। छठे भाव में सूर्य होने से जातक के शत्रु काफी ज्यादा अधिक होते हैं, लोग आपसे लोग जलने वाले काफी ज्यादा होते हैं, आपको नेम फेम बहुत अच्छे से मिलती है, बहुत ज्यादा मेहनत करने से धन उपार्जित भी आप काफी अच्छे से करते हो। यदि सूर्य छठे भाव में बलवान हुआ, मित्र राशि का हुआ, तो जातक के शत्रु अहित नहीं कर सकते, शत्रु उसे जीत नहीं सकते। बलवान सूर्य जातक को धन आदि का पूर्ण सुख देता है। ऐसा जातक के भाई बहनों की संख्या कम होती है, जातक ज्योतिष शास्त्र एवं मंत्र शास्त्र का ज्ञाता बन सकता है, ऐसे जातक की प्रसिद्धि थोड़े समय के लिए जरूर बनती है। छठे भाव में सूर्य यदि पुरुष राशि का हो तो जातक थोड़ा क्रोधी, घमंडी व कामुक होता है, ऐसे जातक को आयु थोड़ी कम मिल सकती है, गुप्त रोग हो सकते हैं। छठे भाव में आया सूर्य जातक ननियाल के लिए शुभ नहीं होता, नाना मामा और मौसी आदि के लिए अशुभ फल प्राप्त करता है, लेकिन अगर स्वग्रही हुआ या फिर मित्र राशि हुआ तो सूर्य आपके ननियाल पक्ष का नेम फेम काफी अच्छा बढ़ाएगा, नेम आपके ननियाल को धनी बनाएगा। स्त्री राशि का सूर्य छठे भाव में हो तो ननियाल के लिए शुभ होता है, जातक बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है, चालाक होता है, अपना काम निकालने के लिए ऐसे जातक काफी ज्यादा चतुर होते हैं। यदि नीच और पाप प्रभाव में सूर्य हो तो जातक के पेट में लंबी समय से बीमारियां चलती है, पेट से संबंधित बीमारी से पीड़ित रहता है। यदि छठे स्थान में सूर्य वृषभ सिंह वृश्चिक या कुंभ राशि का हुआ, छठे स्थान का सूर्य वृषभ सिंह वृश्चिक या कुंभ राशि का हुआ तो जातक को दम, श्वास, डिप्थीरिया आदि रोगों का शिकार हो सकता है। कन्या अथवा मीन का सूर्य हो तो जातक को टीबी आदि का रोग हो सकता है, कन्या या मीन राशि का सूर्य हुआ तो टीबी आदि का रोग हो सकता है, क्योंकि छठा भाव रोग भाव भी है। तो सूर्य अगर पीड़ित है तो आपको इस तरह के रोग दे सकता है। अगर यहाँ पर उच्च का है, अच्छी राशि का, मित्र राशि का, तो आपको फायदा भी बहुत करवाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।